ये पूरा हफ्ता जो है बड़ी बड़ी फिल्म से घिरा हुआ है। जहां पर देखा जाए तो लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन जैसी बड़ी मूवीज आई और दोनों की दोनों धराशायी होती हुई दिख रही हैं। उसी के बीच में सैटरडे के दिन एक मूवी आती है जिसका नाम है कार्तिकेय 2, साउथ इंडियन की तेलुगु मूवी। इसने तहलका मचा दिया। तहलका इसलिए मचा दिया है कि लोग पागल हैं इस मूवी को देखने के लिए, शोज नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही कम स्क्रीन पर यह रिलीज करी गई है। क्यों? क्योंकि लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवी आई है, लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत शानदार मूवी निकलेगी, या फिर लोगों को ज्यादा कुछ चाहिए था उस मूवी से, तो वो उतना नहीं दे पाई, क्योंकि जिस मूवी की वो कॉपी थी, जिस मूवी की वो रीमेक थी, उतना वो जस्टिस नहीं कर पाई। बहरहाल उसे साइड में रखते हैं, बात करते हैं उस मूवी की जिस मूवी की बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्तिकेय 2। सबसे पहले आपको बता दूं, कार्तिकेय 1 जो है वो 2014 के अंदर आई थी और उसे भी चंदू मोहनदित्य जी ने ही डायरेक्ट किया था। उस वक्त वो मूवी 4 से 6 करोड़ में बनी थी और 20 करोड़ का कलेक्शन किया गया था। निखिल सिद्धार्थ उसके अंदर लीड एक्टर ही थे, जो कार्तिकेय 2 के अंदर हैं। मैं आपको बता दूं, इस मूवी का जो बजट है ना वो 15 करोड़ है, लेकिन अभी तक 4 दिन के अंदर अंदर 32 करोड़ प्लस इसने कलेक्शन कर लिया है। जब ये यहाँ पर हिंदी के लिए जो नॉर्थ इंडियन में जो कि ये रिलीज हुई थी, तो बहुत ही कम रिलीज मिली थी, मतलब स्क्रीन ऐसे मान लीजिए आप 100 के आसपास या 50 के आसपास इसे स्क्रीन मिल पाई थी, लेकिन आज के समय 300 प्लस हो गया है और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि बाकी मूवियां जहां आप देख रहे हो वो खाली थिएटर जा रहे हैं और ये जो है हाउसफुल मूवी दे रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, लोग वहीं पर उसे ही चलाना चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैथोलॉजी पर बेस्ड है, कृष्ण भगवान के अस्तित्व के बारे में दिखाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक शानदार डायलॉग ये है कि चमत्कार होते हैं इसलिए भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं इसलिए चमत्कार होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप भगवान को मानोगे तो आपकी मनोकामना और आपको दिखने वाले चमत्कार जरूर होंगे, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं निखिल सिद्धार्थ की, तो वो एक डॉक्टर है पेशे से और उनके अंदर एक आप कह सकते हैं माइंड डिसऑर्डर है या फिर कुछ किसी तरह की बीमारी है। वो बीमारी ये है कि वो सांपों को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। सांपों को वो क्या करते हैं, सांपों के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं और उन्हें वो कंट्रोल कर लेते हैं। अब यही मैं क्यों बता रहा हूँ कि सांप के बारे में, क्योंकि यही आपको इस मूवी के लास्ट में दिखने वाला है कि क्या होगा। वो सारी की सारी चीजें आप तभी देख पाएंगे जब मूवी देखेंगे। इस मूवी की कहानी कुछ यूं है कि जो डॉक्टर कार्तिकेय हैं, वो एक नॉर्मल डॉक्टर हैं, नॉर्मल सर्जन हैं, नॉर्मल वो भगवान को सिर्फ मानते हैं पर लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, घर वाले मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो फॉलो नहीं करते भगवान को। वो साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि चमत्कार में। अब ऐसे ही बीच में उनके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर उन्हें जाना पड़ता है द्वारका। अब द्वारका के अंदर चीजें खुलनी स्टार्ट होती हैं। वहां पर दिखाया जाता है कि कैसे 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 क्या क्या चीजें आ रही हैं, और उसके अंदर ये भी दिखाया गया जब श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ से चले गए थे तो उन्होंने बताया था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में कैसे कैसे क्या क्या होगा, और उन्होंने एक अपने पैर का कड़ा भी निकाल कर दिया था और उन्होंने ये भी बताया था कि ये कड़ा सिर्फ वही ले पाएगा जो इसके लायक होगा। तो वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, फिर चीजें बदलती रहती हैं, सिचुएशंस बदलती रहती हैं, जिन लोगों को काम दिया गया था, जिसके पास जो ये काम निभा रहा था, उसकी मौत हो जाती है और वो काम का जिम्मा जाता है हमारे कार्तिकेय के पास। अब कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद वो द्वारका भी जाते हैं, उसके बाद फिर वो मथुरा भी जाते हैं और फिर वहां पर वो जो गोवर्धन है वहां पर भी जाते हैं और वहां पर हर चीज को वो एक्सप्लोर करते हैं और उनके दिमाग में चीजें आने लग जाती हैं, उन्हें लगने लग जाता है कि भगवान तो है और भगवान है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जो है बिलीव करने पर मजबूर कर रही है उन पर। और सिंपल सी बात है यार, इसके अंदर बॉलीवुड की तरह बकचोदियां नहीं दिखाई गई। मैं आपको पहले वर्ड बोल दूं, बकचोदी थोड़ा दर्द लग सकता है पर लेकिन रियलिटी है, मतलब हमारे भगवान को जो है बॉलीवुड के अंदर आपने देखा होगा PK, उसमें भागते हुए दिखाया था, बिल्कुल हमारे भगवान जी को बाथरूम में बंद करते हुए दिखाया गया था। और जो अक्षय कुमार की मूवी थी ओ माय गॉड, उसके अंदर भगवान को बोला गया था कि शिवलिंग दूध चढ़ाते हैं, वो किसी काम का नहीं है। ये जितने भी बॉलीवुड के अंदर एक्टर्स हैं ये भगवान को बिल्कुल गलत तरीके से दिखाते हैं, टैंडम में आपने देखा होगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप साउथ की बात करेंगे, RRR में आप देखिए कितना शानदार रूप दिखाया गया है, इस मूवी में देखिए कितना शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया, मतलब भगवान को और हमारी जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन्हें धरोहर बोला गया है, मतलब ये कहा गया है कि ये चीजें ही हमारी जो आगे चलने वाली पीढ़ी को सबक देंगी। पर बॉलीवुड के अंदर कुछ और है, साउथ के अंदर कुछ और है। साउथ इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने मतलब है अच्छी चीजों से और रियल चीजों से। बात करूं राइटर की, तो भाई सिंपल सी बात है, राइटर बहुत शानदार है, बहुत शानदार राइटिंग की है। बॉलीवुड ने राइटरों को लेना बंद कर दिया है, वो सिर्फ रीमेक बनाने में बिलीव करने लगे हैं। साउथ का या फिर कोई भी हॉलीवुड मूवी का उठाओ स्टोरी, उसे उसके राइट्स खरीदो और उसका रीमेक चिपका दो, तो यही काम कर रहा है इस वक्त बॉलीवुड। लेकिन
साउथ के अंदर वो रिमेक नहीं बनाएंगे, वो अच्छा ही कंटेंट निकालेंगे और अच्छा ही आपको देंगे। तो यही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, एक करेक्टर और आपको मिलेंगे जो है हमारे यहाँ अनुपम खेर जी, और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने। आप ये लगाइए 5 से 10 मिनट के बीच ही उनकी टाइमलाइन है, लेकिन उन्हें जो रोल दिया गया ना, वाह, मतलब भाई साहब हैट्स ऑफ है बिल्कुल राइटर को भी और डायरेक्टर साहब को भी। मतलब आप ये समझिए मूवी का पूरा सार समझा देते हैं वो इसके अंदर, इस सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर, और रोल गजब का। कहानी आगे बढ़ती है, एंड हो जाता है कहानी का, और फिर उसके बाद वो अनाउंस कर देते हैं नेक्स्ट मूवी के बारे में भी। और वो नेक्स्ट मूवी जो होने वाली है वो लगभग कहीं विदेश की या कहीं ना कहीं बाहर की ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमारे जो भगवान है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, वो पूरी दुनिया के अंदर समाये हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो पद चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही इसके अंदर पूरा का पूरा अंतराल है। अब मैं बात करूं इस मूवी को अगर मैं स्टार देने की, तो मैं आपको बता दूं इस मूवी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 stars। इस मूवी को आप नजदीकी थिएटर्स में जाकर जरूर देखिए, हाउसफुल चल रहे हैं और डेली के डेली स्क्रीन्स बढ़ती जा रही हैं। और मैं आपको ऐसे ही मसाला लाता रहूंगा फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।